अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। हम इसमें ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे, उसकी अकरेंस पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे। अच्छा, अब ट्रांसपायरेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी तरह का एक मैकेनिज्म बता देती हूँ। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स की बॉडी में जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन इज नाउन एज ट्रांसपायरेशन। अब आप अगर खुद ही देखें, स्वेटिंग किस वजह से होती है? कूलिंग की वजह से। तो बिल्कुल इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन भी किस लिए होती है? कूलिंग की वजह से, कूलिंग के लिए। तो इफेक्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज कूलिंग। आगे है इसकी अकरेंस। अब ये स्टोमेटा के थ्रू भी ट्रांसपायरेशन हो सकती है, लेंटिसेल्स के थ्रू भी ट्रांसपायरेशन हो सकती है और क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकती है। पहले मैं आपको बताती हूँ स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और क्यूटिकल क्या क्या है। जो स्टोमेटा है वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं प्लांट की लीव के सरफेस के ऊपर। जो प्लांट के अंदर लीफ होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर छोटी ओपनिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। बिल्कुल इसी तरह प्लांट के स्टेम के ऊपर जो ओपनिंग्स होती है उन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स, और जो प्लांट की लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब अगर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगी तो हम उसे कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। बिल्कुल इसी तरह अगर ट्रांसपायरेशन होगी लेंटिसेल्स के थ्रू तो हम इसे कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। बिल्कुल इसी तरह अगर क्यूटिकल के थ्रू होगी तो हम इसे कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपायरेशन। तो चार फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को कम या ज्यादा करते हैं। पहला उसमें से है टेम्परेचर। टेम्परेचर का और ट्रांसपायरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। इसके अलावा 40-45 डिग्री सेल्सियस तक ट्रांसपायरेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। मतलब कि इस टेम्परेचर पे ट्रांसपायरेशन का रेट सबसे ज्यादा होता है। 45 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी होती है नमी। अगर हवा में नमी कम है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, लेकिन अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, और अगर हवा में नमी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। इसका इनवर्स रिलेशन। इसके हम दो की पॉइंट्स बना लेते हैं कि अगर एयर मॉइस्ट है तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, लेकिन अगर एयर ड्राई है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। आगे है एयर मूवमेंट। अगर एयर मूव, अब एयर की दो कंडीशन है, या तो एयर मूव कर रही होगी या तो एयर स्टिल होगी, और हमें पता है हम मूविंग एयर को विंड भी कहते हैं। अगर एयर मूव कर रही है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर एयर स्टिल है तो ट्रांसपायरेशन कम। आगे अगला फैक्टर है सरफेस एरिया। इसका भी ट्रांसपायरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मैं आपको स्टोमेटा की एग्जांपल देके समझाती हूँ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की। अगर लीफ बड़ा होगा तो मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। लीव बड़ा तो मतलब उसके अंदर स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे। स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मतलब ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा। तो ये थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपायरेशन। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।